हेलो फ्रेंड्स, एडवोकेट विशाल हुआ आपका यहाँ पर स्वागत करता है। देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन जब से स्टार्ट हुआ है तब से बच्चे मोबाइल एडिक्ट हो चुके हैं। एजुकेशन के साथ साथ वहाँ पर मोबाइल्स में गेम्स होती है, वो गेम्स खेलते रहते हैं। कुछ गेम्स ऑनलाइन होती है, कुछ गेम्स ऑफलाइन होती है। और ऑनलाइन गेम्स में जैसे कि लूडो है या और कोई गेम्स है, वहाँ पर कोई पार्टनर्स उनके साथ में ज्वाइन करते हैं गेम्स, और ज्वाइन करने के बाद अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन्स वहाँ पर शेयर की जाती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन्स में मोबाइल नंबर्स पहले शेयर होता है, फिर उसके साथ में दोस्ती बढ़ाई जाती है, उनके पार्टनर्स वो बन जाते हैं ऑनलाइन, और आहिस्ता आहिस्ता एक एक इन्फॉर्मेशन उनसे ली जाती है और प्रोवाइड भी की जाती है, जैसे कि घर में कौन कौन है, क्या क्या चलता है घर में, माँ बाप क्या करते हैं, भाई बहन क्या करते हैं, आपकी उम्र क्या है। फिर साथी में आगे जाके वो पर्सनल डेटा शेयर करने के लिए कहा जाता है, जैसे कि पर्सनल फोटोज शेयर किए जाते हैं, और ऐसे ही करते करते आगे वो सेक्सुअलिटी में चले जाते हैं। और उसमें छोटे बच्चे जैसे है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चे होते हैं जिनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, बट जस्ट बिकॉज कि वो ऑनलाइन उनके फ्रेंड्स होते हैं, इसीलिए उनको लगता है कि मेरे ही फ्रेंड्स से अगर वो मेरे से इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं और मेरे फ्रेंड बन चुके हैं तो मैं ये इन्फॉर्मेशन क्यों ना दूँ, और ऐसे में वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर लेते हैं। फिर आगे जाके वो पर्सनल फोटोज़ डिमांड करते हैं, पर्सनल वीडियोज़ डिमांड करते हैं, ऑनलाइन चैट उनका हो जाता है, ऑनलाइन वीडियो कॉल्स हो जाते हैं, और वो वीडियो कॉल्स और जो फोटोग्राफ्स है वो वहाँ पर उनकी तरफ से वो डेटा कलेक्शन किया जाता है। आगे जाके इसी डेटा के बेसिस के ऊपर वो बच्चों को जैसे कि उनसे कुछ डिमांड करते हैं कि भाई आप पैसे की डिमांड करते हैं कि आप अगर ये पैसे हमें दोगे तो ही हम लोग ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास रखेंगे, अदरवाइज ये इन्फॉर्मेशन आपके फेसबुक वॉल पे या आपके फ्रेंड सर्कल में हम लोग ये शेयर करेंगे। डर के मारे वो बच्चा आगे जाके पेरेंट्स को बता देता है। जब पेरेंट्स के सामने ये चीज़ें आ जाती है तो उनको लगता है कि ऐसे हालत में क्या करना चाहिए, वो डर जाते हैं कि क्या सचमुच ऐसे हुआ है। और मान लीजिए कभी कभी ये इन्फॉर्मेशन बच्चे बता देनी है और वो कुछ बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, कुछ बच्चे बोलना बंद कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि अभी हम लोग आगे ये सिचुएशन को कैसे हल करें, और वो छोटे होने की वजह से उनको पता ही नहीं चलता कि इसमें से बाहर कैसे आ जाए। बट कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो जिनको लगता है कि नहीं, बच्चों में कुछ ऐसा लग रहा है कि ये डर के मारे कुछ बैठे हुए बच्चे, तो उनके साथ में वो डिस्कशन करने के बाद में पता चलता है कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ है। तो उसके बाद पहले तो ये मोबाइल वो लोग स्विच ऑफ कर लेते हैं, नंबर बदल देते हैं। बट होता क्या है कि जब आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चली जाती है तो वो डर एक रहता है कि आगे जाके वहाँ से अगर कोई डिमांड हो जाती है, पैसे की डिमांड होती है, तो क्या करें। तो ऐसे हालात में आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। देखिए, साइबर सेल है और आपका लोकल पुलिस स्टेशन है, तुरंत आपको उनके पास पहुंचना है। बिल्कुल कुछ भी ऐसा डरना नहीं कि मेरे बच्चे के साथ में क्या होगा, आगे जाके उनकी अगर लड़की होगी तो उसके साथ में क्या होगा, अगर मान लीजिए आगे जाके कोई रैकेट है वो अगर हमारे पीछे लग जाते हैं, हमारे घर तक पहुंच जाते हैं, तो ऐसे हालत में क्या करना चाहिए। बट बिल्कुल डरना नहीं है, आपको किसी भी हालत में पुलिस स्टेशन में पहुँच के इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, इसकी कंप्लेंट करनी है। आप ऑनलाइन भी जो होगा वो cybercrime.gov.in पे जाके भी आप इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ताकि तुरंत पुलिस आपकी सहायता कर सके, और ऐसे में काफ़ी कल्प्रिट जो है उनको पकड़ा जा सकता है। देखिए, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ, और पुणे साइबर सेल की तरफ से भी इस तरीके से अगर जब कंप्लेंट्स आ जाती है तो जहाँ से ये कॉल्स किए जाते हैं या जहाँ से मैसेजेस भेजे जाते हैं, उन कल्प्रिट को जो है वो पकड़ा जाता है, एक्यूज को पकड़ा जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है, और उनको जो सजा है वो मिल जाती है। लेकिन अगर आप डर के मारे रहोगे तो ज़िंदगी भर वो डर में ही रहोगे। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, पुलिस आपके साथ में है। बस मेरा ये एक सोशल अवेयरनेस कैंपेन है, उसके हिसाब से मैं आप में एक अवेयरनेस करना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में ऐसे कॉल्स को या ऐसे सिचुएशन में आपको डरना नहीं है। आपको तुरंत साइबर सेल ऑनलाइन जाके cybercrime.gov.in पे जाके आपको ये कंप्लेंट करनी है, या आप लोकल पुलिस स्टेशन में भी जाके इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। थैंक यू।